उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद के द्वारा जीएसटी ऑफिस पर एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन वित्त मंत्री के नाम एडिशनल कमिश्नर जीएसटी विभाग को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारी वर्ग अनेक समस्याओं में उलझ गया है। संबंधित विभाग विभिन्न प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण कर रहा है, इसीलिए व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी पोर्टल 7 महीने में भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा। जीएसटी R3B का भार व्यापारियों पर अनावश्यक डाला गया है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग का सचल दल और SIB विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। व्यापार मंडल की अनुमति के बगैर किसी भी जिले में किसी भी प्रतिष्ठान की जाँच न की जाए। एक देश एक टैक्स एक बाजार के नारे को सार्थक करने के लिए अनावश्यक ई-वे बिल जैसी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जीएसटी टैक्स की दर केवल 2 या अधिकतम 3 रखी जाए। टैक्स की दर अन्य देशों की भांति 18% से अधिक कदापि न रखी जाए। ज्ञापन देने वालों में दीपक अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, जयदेव यादव के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जीएसटी के खिलाफ हमने एक धरना प्रदर्शन कराया है और ज्ञापन दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के, और इसमें जो समस्या है जीएसटी पोर्टल 7 माह से भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा। जुलाई 2017 माह के GSTR और R2 तथा GSTR3 रिटर्न आज तक भी जमा नहीं हो पाए हैं। नंबर 2, GSTR3B का भार व्यापारियों पर अनावश्यक डाला गया है। GSTR2 व GSTR3 भी भरने आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि जीएसटी की एक रिटर्न मासिक या त्रैमासिक भरने की अनिवार्यता रखी जाए, जिससे जीएसटी पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा, व्यापारी को आसानी होगी तथा सरकार को मिलने वाले राजस्व का इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग का सचल दल और SBI विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए गए, इनका कार्यों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। ये बिना किसी सूचना के लगातार छापे मार रहे हैं और जाकर साइडों में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं।